अस्सलाम वालेकुम। बहुत लोगों ने मुझसे मसाले सिखाने के लिए कहा है। मैं आज आपको परफेक्ट बिरयानी मसाला बनाना बता रही हूँ। आगे भी इंशाल्लाह मैं आपको दूसरे मसाले बनाना बताऊँगी। ये बहुत ही परफेक्ट बिरयानी मसाला, अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और वन टाइम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए, इसके लिए हम 3 सूखी लाल मिर्चें ले रहे हैं, 2 टेबल स्पून धनिया लिया हमने और 2 टेबल स्पून शाहजीरा लेना है, 25 से 30 काली मिर्च लीजिए और 10-15 लौंग लेने हैं, 4 करण फूल लिए हमने, 3 बड़ी इलायची है और ये 1 जायफल में से बस पाव टुकड़ा हमको जायफल लेना है और 20 हरी इलायची है, ये 10 तेज पत्ते हैं और 3 इंच की दालचीनी और यहाँ पर जावित्री है 1/2 फूल। अब देखिए, हमने मिक्सर के जार में धनिया डाल दिया, फिर मैं शाहजीरा डाल रही हूँ और ये गए करण फूल, बड़ी इलायची और ये लौंग, काली मिर्चें, जावित्री और ये दालचीनी या खलमी भी जिसे कहते हैं और हरी इलायची। अब ये जो सूखी लाल मिर्चें हैं इसके डेढ़ हम तोड़ लेंगे और फिर इसे डाल देंगे मिक्सर के जार में। अब तेज पत्ते भी इसमें ऐड कीजिए और जो जायफल है उसका पाव टुकड़ा लीजिए, उसे थोड़ा सा क्रश करके आप मिक्सर के जार में डाल दीजिए और इसे पीस लीजिए। देखिए, हमने सारे मसाले पीस लिए हैं, पीस कर हमने इसका पाउडर बना लिया। अब इस पाउडर को आप किसी एयर टाइट कंटेनर में भर कर रख दीजिए। जब भी आप बिरयानी बनाएं तो आप इसमें से इस मसाले को यूज़ करें, यानी 1/2 किलो बिरयानी के लिए आप 1 टीस्पून मसाला यूज़ कर सकते हैं। ये मसाला किसी भी बिरयानी के काम आएगा, जैसे कि मटन बिरयानी, चिकन बिरयानी, किसी भी बिरयानी के लिए आप ये मसाला यूज़ कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई और यूज़फुल रेसिपी के साथ। तो सबाज बेस क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।